दिग्रस शहर और परिसर में एक तरफ कोरोना प्रकोप का असर सर चढ़ कर बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिग्रस शहर और तहसील के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न हादसों में मौत की घटनाओं की मानो छड़ी लगी है। बीते शनिवार से रविवार के बीच जहां विभिन्न घटनाओं में तहसील में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया, वहीं अब सोमवार को कलसा ग्राम के अरुणावती बांध के बैकवाटर परिसर से सटे खेती बाड़ी वाले क्षेत्र में एक अज्ञात शख्स की लाश मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी दिग्रस पुलिस को दी, जिसके बाद दिग्रस पुलिस स्टेशन के थानेदार सोनाजी आमले और अन्य पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल का रुख करते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर और तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में एक तरफ कोरोना प्रकोप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा है, तो वही आए दिन विभिन्न घटनाओं और हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस वजह से तहसील में दर्दनाक घटनाओं को लेकर गम का माहौल है और शोक लहर व्याप और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या सहित कोरोना से हो रही मरीजों की मौत का खौफ भी अपनी छाप छोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि तहसीलवासी सतर्क और सुरक्षित रहकर अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आकस्मिक मौत को तो हम रोक नहीं सकते, पर कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन कर हम कोरोना को परास्त करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।